करनाल की नई अनाज मंडी में 71वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण के साथ परेड की सलामी ली और जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री ने स्वतंत्र सेनानियों व शहीदों के परिवारजनों को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने जिलावासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष भर सुशासन की नई नई पहल करने पर बल दिया जाएगा। प्रदेश में तरक्की लाना ही उनकी सरकार की सोच है। इसके अतिरिक्त उनका गणतंत्र दिवस पर यह भी संकल्प है कि जो गरीब छात्र छात्राएं कॉलेजों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, उनकी उच्च शिक्षा के लिए सरकार आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश में नागरिकों की सुविधा के लिए सेवाओं व योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। अब प्रदेश में सरल पोर्टल के माध्यम से 527 सेवाएं और योजनाएं उपलब्ध हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक रूप से लाभ पत्र कार्य में लगी हुई है। अब तक सक्षम योजना के तहत प्रदेश में 94,807 पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर माह 100 घंटे का मानदेय कार्य दिया गया है। इसी प्रकार 10,906 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी वचनबद्धता है कि प्राइवेट क्षेत्र में भी हरियाणा मूल के 75% युवाओं को रोजगार मिले। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना में अब 6 नई सब्जियों और फलों, गाजर, मटर, बैंगन, शिमला मिर्च, अमरूद और किन्नू को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए भी हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 और 19-20 के दौरान खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए करीब 195 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार दिया है तथा हरियाणा ने उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के तहत 49 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि अस्पतालों में शुरू की गई आधुनिक सुविधा तथा आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिकतम लोगों को सहज व सस्ता उपचार उपलब्ध करवाया जा सके। प्रदेश में 450 नए चिकित्सक तथा सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1652 होमगार्ड भी लगाए जाएंगे। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। सर, सर, सर। सर क्या कहना चाहिए? तमाम पहली बार देशवासियों को 71वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें, देश के संविधान के 71 साल पूरे होने पर जिस मजबूती के साथ उस देश की एकता रखता के लिए एक एक स्वतंत्रता सेनानी, एक एक वीर योद्धा जिसने बलिदान इस देश की सुरक्षा के लिए दिया है, उसको नमन करते हुए इस देश को और आगे ले जाने आने वाली पीढ़ियों को हम ताकत देने का काम करेंगे। मैं तो ये प्रण लेता हूँ प्रदेश और देश के अंदर आमजन की सुविधाओं को कैसे और सुधारा जाए, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए आज ये निर्णय लेते हैं कि प्रदेश के अंदर हर पहला महीने के मंगलवार ग्रामीण अंचल के लोगों को जो समस्याएँ आती हैं उसको रेवेन्यू डे के तौर पर हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाने का काम करे। जब एसडीएम ऑफिस या तहसील के अंदर सुबह से लेकर शाम तक तहसीलदार एसडीएम से लेकर कानून तक तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहकर इन मूल समस्याओं को निपटाने का काम करें, और इस तरह के प्रयास हमारी ये सरकार प्रदेश के आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल विंडो सुविधा पहुँचाने के लिए वचन होगा। दुष्यंत सर, आपके पास एक्साइज विभाग है और करनाल में हर बार ब्लैक लिस्टों को ठेके दे दिए जाते हैं। पिछले 3 सालों से 25 करोड़ रुपए जमा नहीं हुए हैं और इस साल की जो किस्तें हैं वो 20 जनवरी तक जमा होनी थी, वो भी 30 करोड़ के आसपास जमा नहीं हुए। अगर आंकड़े आपके पास इतने मेरे में मैं कह तो मैं चाहूँगा वो आंकड़े आप पहुँचा कर दें।
मगर जो आंकड़े मैंने निकलवाए, हमारा पिछली बार का जो एक्साइज का रेवेन्यू था वो 6100 करोड़, और पिछले 80 दिनों के अंदर हमने जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई वहीं हम शायद इस बार 6700 करोड़ का टारगेट अचीव करेंगे। और कहीं अगर कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो ब्लैक लिस्टेड आदमी ही रीपरचेज ऑफ लिकर वेंडर करता है, तो मैं चाहूँगा आप द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जैसे 704 गांव ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि हमारे लिकर वेंडर बंद करे जाए, आप लोगों को भी भेजा, उन लोगों को भी आने वाली लिकर पॉलिसी जो बढ़ेगी प्रदेश उसके अंदर हम बैन करने का काम, जो पैसे जमा नहीं हो रहे हैं उसके लिए भी रिकवरी करवाना हमारा काम है। आंकड़े आप बता रहे हो कितने तथ्यपूर्ण है उसकी जानकारी मेरे को नहीं, मगर ये विश्वास रहो देश के एक्साइज के अंदर आने वाला एक एक रेवेन्यू का ड्रॉप हम रिकवर करें। मेरे संज्ञान में एक केस आया जिसके अंदर कोई लिकर वेंड मालिक मलेरकोटला का था, तो सर मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मलेरकोटला से चर्चा कर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कराने का काम किया, और कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रदेश के राजस्व की चोरी करेगा और वो हमारे एक्ट के अधीन आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने तो हमारा स्टॉक पूरा कराने के लिए दो दो बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, और आने वाले 7 महीनों में अगर मेरे को लगता है कि किसी भी सेलर के अंदर से PDS का स्टॉक जो कि हमारी प्रॉपर्टी है उनकी निगरानी के अंदर वो कम होती है तो हम दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराएंगे सर। इसी और किसी भी महकमे के अंदर हमारा ये प्रयास है सरकार का कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, मजबूती के साथ प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाए। और एक संकल्प और जरूर आपके लिए बीच लेता हूँ कि आगामी दिनों में जो हमारा संकल्प था 75% रोजगार के अंदर अधिकार का प्रदेश के अंदर, उसको भी हम पूरी तौर पर लाते हैं। सर दान घोटाले के ऊपर अभय चौटाला ने आप पे आरोप लगाया कि आपकी पार्टी के ऊपर 1,00,000 रुपया एक सेलर से लिया गया। घोटाला किसको बोल रहे हैं उन नेताओं से पूछो, जब फिजिकल स्टॉक सेलर के अंदर मौजूद है, दो बार उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, सिर्फ 36,000 मेट्रिक टन 64,00,000 मेट्रिक टन के अंदर कम है, तो इसके अंदर घोटाला कहाँ है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको बोलो गिरबान जाग कर देखे कि ईयर एंडिंग में 70,000 मेट्रिक टन का लॉस होता था जब परचेज सिर्फ 35,00,000 मेट्रिक टन की थी, तो हमने तो उसको स्ट्रीमलाइन करने का काम किया। और जो लोग कहते हैं घोटाला हुआ, तथ्य लेकर आओ, आप CBI बोलोगे, आप सुप्रीम कोर्ट बोलोगे, आप हाईकोर्ट बोलोगे, उसकी इंक्वायरी भी इसके अंदर करोगे। शुगर मिल में 22 करोड़ का घोटाला हुआ है करनाल में, करनाल शुगर मिल 22 करोड़ का घोटाला, उसकी आज तक रिकवरी नहीं हुई बल्कि उसकी कंप्लेंट की गई तो हाईकोर्ट में केस भी डाला। शुगर मिल के बारे में शायद कोऑपरेटिव मिनिस्टर बेटर बता पाएंगे, क्योंकि उनके महकमा संज्ञान में, मेरी जानकारी में ये मामला नहीं है। अभी एक मशीन उन्होंने किराए पर ली, चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली बिल्कुल जाऊँ, यहाँ जरूर पड़ेगी, यहाँ जननायक जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल से जुड़े लोग दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जरूर होंगे, तो उनको जाकर जरूर संगठन आज गठबंधन की ताकत को बढ़ाने। SYL पर क्या समझते हैं सर कुछ और? हाँ जी हाँ जी,
JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।